डॉक्टर, हमें रिलेशनशिप इश्यूज है, पर क्या आप हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम पे फोकस करोगे? मैं अपने क्लिनिक पे आए हुए दो किस्से आपको सुनाती हूँ। ये पहला किस्से में मेरे को कपल ने कंसल्ट किया था। कपल की शादी को हो गए थे 10 साल, और इस 10 साल की शादी में हस्बैंड और किसी फैमिली इश्यू और फाइनेंशियल बर्डन के कारण वाइफ से इमोशनल बॉन्डिंग बनाने में समय नहीं देता था। अब वाइफ रहती थी चिड़चिड़ी, और हस्बैंड ने कंप्लेन की कि वाइफ कभी सेक्स को इनिशिएट नहीं करती, वाइफ कभी सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाती। दूसरे किस्से में मेरे को हस्बैंड ने कंसल्ट किया था। इस कपल को शादी को हो गए थे 20 साल, और वाइफ कोई ना कोई कारण से हस्बैंड से झगड़ती रहती थी, पुरानी बातें याद करके झगड़ती रहती थी। और इसके कारण हस्बैंड को वाइफ को देख के एक्साइट नहीं हो पा रहा था, वाइफ को देख के अराउज नहीं हो पा रहा था। इस दोनों किस्सों में पेशेंट की इच्छा रहती है कि डॉक्टर, हमारी रिलेशनशिप तो सुधरने वाली है नहीं, पर आप हमारी सेक्स लाइफ अच्छी कर लो। ये तो ऐसी डिमांड हो गई कि डॉक्टर, बारिश तो गिरती रहेगी, आप उसमें धूप खिला के दिखाओ। रिमेम्बर, जब तक रिलेशनशिप रहेगी उलझी, सेक्स लाइफ नहीं होगी सुलझी।